चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके उन्होंने लपेटने की कोशिश की है। जैसा कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, मैं आज आपको पूरी डिटेल के अंदर उनके उस चिट्ठे के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हमारी, मेरे को जब से जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, हमने नॉन स्टॉप काम किए हैं। अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के ऊपर फुल स्टॉप किया है अपने 10 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के ऊपर नॉन स्टॉप किया है। मैं अब भी ये कहना चाहता हूं कि उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कम करता हूं, अगर इतने ज्यादा नहीं थे, वो थोड़े मैंने सेलेक्ट किए थे, अभी और भी थे, फिर भी उसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किए थे, वो क्वेश्चन मैंने किए थे कि इनके उत्तर मुझे चाहिए। अगर वो उतने उत्तर नहीं दे सकते, कोई 4-5 के तो दे दें। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 12 मार्च को शपथ लिया, 12 मार्च से 4 अक्टूबर तक टोटल 182 दिन बनते हैं। 4 अक्टूबर को क्योंकि वोटिंग है, रिजल्ट है, 182 दिन बनते हैं। 182 दिनों में लगभग 128 दिन आचार संहिता के निकले हैं। मुझे कुल 51 दिन काम करने का मौका मिला है। 51 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के हित में नॉन स्टॉप 126 निर्णय हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने लिए हैं, जिसका लाभ तुरंत प्रदेश के लोगों को उसका मिला है। हमने जो भी निर्णय किया है, उस निर्णय को कैबिनेट में ला करके ऑर्डिनेंस लेकर के आए और प्रदेश के लोगों को उसका गति से लाभ मिले, इसको लेकर के हमारी सरकार ने काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष, और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मेरे कहावत याद है, क्योंकि ये चिट्ठा भी काफी है और ये बहुत थोड़ा लेके आया हूं, परंतु फिर भी काफी हो गया, पता नहीं आप कितना लंबा इसको सुनने का मादा रखेंगे, कभी आप लग जाए करने भी नहीं भाई ये तो काफी लंबा हो गया, अभी आप इसको छोटा करें। एक कहावत है, मैं कहावत आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैं जब मंत्री था पिछली सरकार में, एक व्यक्ति गांव के अंदर, जैसा होता है कि 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे अपना मकान बना लिया, कच्चा रास्ता था, बरसात के समय के अंदर बुग्गी भी जाती थी, ट्रैक्टर भी जाते थे, वो रास्ता बड़ा झरझर हालत में हो जाता है, बरसातों के समय में कच्चा रास्ता हो जाता है। तो एक कांग्रेस का पदाधिकारी था और वो कांग्रेस का पदाधिकारी मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता, भाई मंत्री जी को कहो कि मेरी गली बनाए, हमारा कार्यकर्ता आता, मैं उनकी बात सुन करके, मैं कहा हाँ बनाएंगे, कोई बात नहीं। एक दिन वो स्वयं चल करके आया, मुझे कहने लगा कि हमारी गली बना दो। गली बन गई, एक हफ्ते के अंदर बनवा दी। पहले तो वो घर से निकलता था, गारे से जाता था, गारे से घर में आता था, कपड़े भी खराब होते थे,
परंतु जब वो गली बन गई, सुक्के से उस गली के ऊपर नगारा पैर का लग रहा है, सुक्के से घर जा रहा है, सुक्के से आ रहा है, और गली के ऊपर खड़ा होता है हर रोज और बोलता सरकार कोई काम नहीं कर रही। वो सेम उदाहरण कांग्रेस का है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस सड़क के ऊपर चल रहे हैं उसको वो सड़क दिखाई नहीं दे रही, और ये बात दुष्प्रचार करता हुआ घूम रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये कांग्रेस बोल रही, कितना झूठ बोल रही है। जिस सड़क के ऊपर से निकल करके जा रहे हैं वो सड़क कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई नहीं दे रही। दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं बताना चाहता हूं 10 वर्षों के अंदर क्या काम किए हैं इनकी सरकार के अंदर। 10 वर्षों में पर्ची और खर्ची के द्वारा, पर्ची और खर्ची के द्वारा लगभग 80,000 नौकरियां जो बताते हैं, 10 वर्षों में कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह बांटी है, जैसे रेवड़ी बांटते हैं किसको देनी है किसको नहीं देनी है, रेवड़ियों की तरह बांटी है पर्ची और खर्ची के द्वारा। हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,45,000 नौकरियां दी गई हैं। दूसरा मैं उनको बताना चाहता हूं जो ये बात बोल रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन इनकी सरकार में, मैं इनको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि कोई सरकार ने काम नहीं किया, इनकी सरकार में मात्र 500 रुपया बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, जाते जाते 1,000 बोल करके कि दी नहीं है, परंतु 1,000 रुपया भी हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आज बुजुर्गों को देश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धा सम्मान भत्ता हमारी सरकार दे रही है, 3,000 रुपये दे रही है। इनकी सरकार में 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती थी उसके इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं था, उसके हालात के ऊपर ये छोड़ देते थे, और गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, यह स्थिति इनकी सरकार के अंदर थी। कोई आयुष्मान कार्ड नहीं था, योजना नहीं थी। हमारी सरकार के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसका लाभ ले रहे हैं जिन्होंने इलाज कराया है। लगभग 5,600 कुछ अमाउंट उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों का फसलों का भुगतान नहीं होता था, आपके सामने इनके समय के अंदर क्या हालात थी। हमारी सरकार के अंदर सीधा पैसा, किसान ने फसल बेची 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। किसानों को असुविधा नहीं होने दी, और अगर 72 घंटे से ज्यादा हुआ है उसके ऊपर ब्याज सहित किसान को पैसा पहुंचाने का सह सम्मान हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस के समय में सिर्फ 2 फसलें ही, वो भी केंद्र खरीदता था, ये तो व्यवस्था करते थे, धान और जीरी की फसल केंद्र खरीदता था, ये व्यवस्था करते थे, परंतु हमारी सरकार के अंदर इन 10 वर्षों में किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 14 अन्य फसलें पीछे था, अब हमने निर्णय किया है कि हम 24 फसलें जो हमारे हरियाणा के अंदर होती हैं सारी की सारी MSP पर खरीदने का काम करेंगे। ये हिसाब मांगते घूम रहे हैं, ये इधर उधर की झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं ट्रांसफर के लिए किस प्रकार से दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, कितना भ्रष्टाचार होता था इनकी सरकार में। आज ट्रांसफर ऑनलाइन है हमारी सरकार के अंदर, कहीं किसी के भी दरबार पे जाने की जरूरत नहीं है,
एक बटन से ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एक बटन से ही बदली हो जाती है। ये सिस्टम अगर सुधारा है, ये हमारी सरकार ने ये इन 10 वर्षों के अंदर किया। अंतर है, मैं बता रहा हूं आपको। एचएसवीपी घाटे में था इनके समय के अंदर, एचएसआईडीसी घाटे में था इनके समय के अंदर, बिजली कंपनियां घाटे में थी इनके समय के अंदर। आप सब लोग जानते हैं जो ये बात करते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में एचएसवीपी, एचएसआईडीसी और बिजली निगम तीनों प्रॉफिट में हैं। आज घाटे में नहीं है, उस घाटे से उभारने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। ये भी कांग्रेस के लोगों को, उनको देखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी कई लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो भी देखता होगा, अगर कहीं प्रेस में सुन रहा होगा तो इन बातों का जवाब दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। उस सरकार में साझीदार था वो, उस सरकार के अंदर तो मलाई खाने के अंदर तो खाता था वो, तब तो बोलता नहीं था, तब तो उसको दिखाई नहीं देता था कि भाई युवा पर्ची से लग रहा, खर्ची से लग रहा, कैसे लग रहा, तब तो आंखा बंद कर बैठा था। हिबजा उसकी आंखें खुली भी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और किस प्रकार से कांग्रेस की समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे, जिस प्रकार से परोस करके हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को प्लेट के अंदर जा करके दे करके आते थे, ये भी जाता था गेल, सुरजेवाला भी कहा यहां दे दे भाई, लग्जरी होटल के अंदर जाकर देते थे ये आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक भी इंच जमीन किसान की हमारी सरकार में इक्वायर नहीं हुई है। भाइयों, इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, दलितों के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार ये इन 10 वर्षों में इनकी सरकार के अंदर, चाहे मिर्चपुर का कांड है, चाहे गोहाणा का कांड है, इनकी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं, कोई भूला नहीं है। हमारी सरकार के अंदर ना तो दलितों का ना किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई गोली का कांड हुआ हो, किसी प्रकार का नहीं हुआ है। जिस प्रकार का इनकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर भी गोलियां चलाई गई, और मैं बताना चाहता हूं किसानों को मुआवजा, मैं कई बार मैं बोलता हूं, परंतु आज मैं थोड़ा सा वो प्रूफ लेके आया हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। आप लोग कहेंगे भी ये शायद झूठ बोल रहे हैं, ये सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह, 2 रुपए का चेक, ये देखो ये 2 रुपए का चेक, ये कांग्रेस के लोगों को दिखाई देना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला साहब को भी दिखाई देना चाहिए, बड़ा नेता है, राहुल गांधी के पास बैठता है, इनको दिखना चाहिए, हुड्डा साहब को भी दिखना चाहिए 2 रुपए का चेक, ये 3 रुपए का चेक कमाल ही हो गया जमा। अरे खाता खुलवाने में 500 रुपए लगते हैं, ये शर्म नहीं आई, क्या अपमान किया किसानों का, कितना अपमानित करने का काम इन्होंने किया है, ये समझना चाहिए किस प्रकार से किसानों को ये लोग अपमानित करते थे। 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक, 10 साल ये सत्ता के अंदर रहे हैं, किसान की फसल का खराबा हुआ है परंतु उनको मुआवजा देने में नाकाम रहे हैं। मात्र 10 सालों के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने पहुंचाए 2 रुपए का, 3 रुपए का चेक तो पहुंचाया है, किसी को 5 रुपए का दे दिया, किसी को 6 रुपए का दे दिया, ये चेक तो पहुंचाए हैं, कुल मिलाकर के 1158 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों की फसल का भेजा है। हमारे समय के अंदर 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है 13,276 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर ऑनलाइन पहुंचाने का काम, अगर उस किसान की फसल का खराबा हुआ है, जमीन आसमान का अंतर है, हमारी सरकार ने काम किया है। और गरीब लोगों को इन्होंने 100-100 गज के प्लाट देने की बात कही थी, ना कब्जा दिया ना कागज दिए, लोग घूमते रहे, किस प्रकार से अपमानित होता रहा गरीब व्यक्ति, वो बोलता रहा परंतु वोट ले लिया, वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया। हमने गांव के अंदर आकर के अभी पिछले दिनों ऐसे सब लोगों को चिन्हित किया,
उनको 100 गज का प्लाट भी दिया, कब्जा भी दिया, कागज भी दिए। लाल डोरा मुक्त गांव को करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये लोग बोलते थे बिजली के ऊपर कि हम बिजली देंगे, रैलियां भी की, आप सब तो जानते हैं, गए होंगे आप रैलियों में, उनकी वो बिजली रैली करी थी, बुलाए होंगे वहां पर भी, हम बिजली रैली कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर बुलाया होगा। कहा जी 24 घंटे देंगे, मैनिफेस्टो में भी डाल ला इन लोगों ने, परंतु 6 घंटे से 4 घंटे से ज्यादा बिजली ये देने में नाकाम रहे हैं। और मुझे खुशी है हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। सड़कों का इनके समय में क्या बुरा हाल था ये आज बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उस सड़क के ऊपर जिसके ऊपर चलते हैं खड़े होकर के ये बोलते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। परंतु इनकी समय के अंदर सड़कों का क्या बुरा हालात था, केएमपी रुका हुआ था प्रोजेक्ट, हमने आकर के लोग भुगत रहे थे, हमारी सरकार ने आकर के पूरा किया। अरे दिल्ली से लेकर के अमृतसर रोड जो मेन एक रोड था, क्या हालात थे इनकी सरकार के अंदर, किस प्रकार से काम रुक गया था, झूठ जाम गए थे, लोग भुगत रहे थे, लोग एक्सीडेंट के अंदर चले जाते थे, किसी का भाई चला जाता था, किसी का सुहाग गुजर जाता था, इनकी आंख नहीं खुली कि इसको ठीक कराया जाए। और इसको ठीक कराने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे केएमपी है, चाहे दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक रोड है, ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गति से करने का काम किया है। और गति से नहीं, इसको 8 लेन का करनाल बाईपास दिल्ली से लेकर के पानीपत तक 8 लेन का भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हरियाणा प्रदेश के हर जिले को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है गति से इन 10 वर्षों में, वो हमारी सरकार ने किया है। कोई एयरपोर्ट नहीं था हरियाणा के अंदर, आज हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है। प्रदेश में 2005 में 3 मेडिकल कॉलेज थे, इससे पहले कितना लंबा समय इन्होंने शासन किया, जो ये विकास की बात कर रहे हैं, जो हिसाब मांग रहे हैं, 3 मेडिकल कॉलेज थे। और 2014 में मात्र 6 हुड्डा का 10 साल के कार्यकाल में केवल 3 मेडिकल कॉलेज बने, ये बताने का काम करे। आज प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं और 7 के ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही ये चुनाव आचार संहिता हटते ही वो 7 भी फंक्शनल में आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कईयों पे काम तैयार हो गया और कईयों के ऊपर उनके टेंडर हो गए हैं, काम चालू हो जाएंगे, 7 पर भी काम चल रहा है। हर जिला के अंदर हमारी सरकार ने 1-1 मेडिकल कॉलेज इस 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। सरकारी कॉलेज 2014 में 105 थे, महिलाओं के लिए 31 थे, आज हमारी सरकार में प्रदेश में 182 महाविद्यालय और महिलाओं के लिए 70 महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले दिनों इन 10 वर्षों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप बनाया गया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए न जाना पड़े, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिले। हमने इन 10 वर्षों में बना करके बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। यह अंतर है, मैं बता रहा हूं जो ये कह रहे हैं। महिला पुलिस थाने कांग्रेस के समय में 2 थे, 2005 में 1 ही बना, 10 साल के अंदर 1 बनाया, ये 2 थे 2005 में, 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सिर्फ 1 महिला थाना बनाया। आज 33 महिला थाने हैं, महिलाएं भी अगर अत्याचार होता है वो भी खुले मन से जाकर के महिला थाने के अंदर अपनी बात को रख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी सरकार ने 112 अगर डायल करते हैं तुरंत 5-7 मिनट में व्यक्ति के पास अगर कहीं कोई दिक्कत में आ जाता है या कोई बेटी महिला दिक्कत में आ जाती है, 5-7 मिनट के अंदर ही पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। ये अंतर हमारी 10 वर्षों की सरकार का है। और मैं
ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोल करके वो वोट बटोरने का काम करती है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, यहां भी इस प्रकार का झूठ बोला जा रहा है। और इनका डीएनए के अंदर, मैंने कहा है ना, कांग्रेस का डीएनए, राहुल गांधी एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखता है और वो स्क्रिप्ट लिखता है, उसके अंदर ये बड़े कई नेता होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होता है, सुरजेवाला होता है, कई और नेता होते हैं उसके अंदर, स्क्रिप्ट को उसको फिर नीचे ये बड़ी गति से फैलाने का काम करते हैं, झूठ की स्क्रिप्ट होती है ये, उसको फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं तथ्य के साथ बता रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो जवाब देंगे, मैंने तो कहा मेरे क्वेश्चन किए थे उसका जवाब दें, परंतु देने में नाकाम रहा है। उनके चुनाव घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके समय के अंदर ये चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने जारी किए हैं, मैं बताना चाहता हूं। हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने झूठ बोला, मैं ये क्योंकि उनके तथ्य के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा हमने नहीं कहा, ये इस प्रकार का यहां भी लागू कर, क्योंकि इनकी सोच है, इनकी नीति है कि लोग शायद झूठ के अंदर आ जाएंगे और आकर के हमें वोट दे देंगे। हिमाचल के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई राहुल गांधी और बड़े नेताओं के द्वारा दिल्ली में बैठ करके, हिमाचल के अंदर उस झूठ को उतार दिया गया, हिला दिया गया कि हम हिमाचल में हर साल 1,00,000 नौकरी देने का काम युवाओं को करेंगे। ये कांग्रेस ने बोला हिमाचल के इलेक्शन के अंदर, परंतु एक साल से भी ज्यादा, दो साल हो गए मेरे ख्याल, दो साल हो गए ना कांग्रेस है, लगभग दो साल के करीब हो गए, हाँ दो साल हो गए, आज तक एक भी सरकारी नौकरी निकली हो तो वो बताए राहुल गांधी, वो बताए हुड्डा, झूठ ना फैलाए, वो बताए। दो साल हो गए हिमाचल के अंदर किसके ऊपर आए थे, 2,00,000 बच्चे घर बिठा दिए, 2,00,000 बच्चे घर बैठाए दिए, उनको रोजगार मिलता, हाँ उनको रोजगार मिलता। ये किस प्रकार का झूठ बोल रहा है, मैं इनके डीएनए की बात कर रहा हूं कि इनके डीएनए के अंदर क्या है, स्क्रिप्ट लिखते हैं दिल्ली में बैठ करके राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी बताता है ऐसे करो ऐसे करो, और ये लोग कुछ उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं और वो भी उसको हवा देते हैं, हाँ इसके अंदर शायद लोगों के अंदर विश्वास जमेगा, इस झूठ के ऊपर आप इसको फैलाओ, और लोग आ जाते हैं बात में। हिमाचल के अंदर बोल दिया 1,00,000 युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु आज तक 2 साल हो गए हैं, एक भी नौकरी ऐड भी नहीं कही, लगाने की तो दूर की बात है, ऐड भी नहीं की गई। आज क्या स्थिति आई है हिमाचल के अंदर, आज स्थिति आ गई कि वहां के मुख्यमंत्री साहब को यह कहना पड़ा कि भाई 3-3 महीने की सैलरी वो कोष में देनी पड़ेगी हिमाचल। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की, क्यों झूठ बोल रहे भाई, झूठ बोलने का कोई फायदा, जितनी थरी चद्दर है उतने पैर पसारो, और अगर चद्दर से ज्यादा पसार रहे हैं तो कौन है, आप झूठ बोल रहे हैं, स्टेट को बैक फुट के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोल करके लोगों के बीच में किस प्रकार से इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। कर्नाटक की बात कर लीजिए, कर्नाटक के अंदर महिलाओं को 2,000 रुपए देने की बात कही थी, ये कांग्रेस की सरकारें, मैंने कहा है कि ये स्क्रिप्ट लिखते हैं झूठ की फिर उसको फैलाने का काम करते हैं। कर्नाटक के अंदर महिलाओं को 2,000 रुपए देने की घोषणा की थी, अभी तक किसी भी महिला को, एक साल के करीब ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, एक साल क्रॉस हो गया वहां की सरकार को, एक भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, खाली वोट ले लिया झूठ बोलकर। तेलंगाना के अंदर सेम, तेलंगाना के अंदर भी इन्होंने कहा था कि एक साल के अंदर अंदर सारे सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा इन्होंने मैनिफेस्टो में की थी, लोगों के बीच में कहा, स्क्रिप्ट लिखी गई, घोषणा होती है इनकी, झूठ बोला गया, परंतु एक साल के अंदर आज तक भी एक भी इनकी वैकेंसी वहां पर भी नहीं निकली, एक साल हो गया। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का तो बयान आपने सुना होगा, अभी क्या ख्याल सुने सुने आप, मैं बता देता हूं, नहीं सुना है तो, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं बीके शिव कुमार जी, उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, वो बोलते हैं कि सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ा कि चुनाव में फ्री बीज की घोषणा के कारण
विकास के लिए पैसा नहीं है, ये कहा है नहीं कहा? मैंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को इतना बड़ा झूठ मत फैलाइए, जितनी आपकी चादर है उतना पैर पसारिए। क्यों लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, क्यों स्टेट्स को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं? आप देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। ये वहां के उप मुख्यमंत्री साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल के अंदर इन्होंने कुछ घोषणाएं करते हैं, झूठ की घोषणाएं करते हैं। इन्होंने एक और घोषणा की कि राज्य में ईंधन की कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी, ये कही है ना, ये घोषणा की गई कांग्रेस के द्वारा। उसके एवज में क्या हुआ? उसके एवज में हुआ डीजल पर वैट 4.40 रुपए बढ़ाकर 7.40 रुपए कर दिया गया। करया नहीं करया, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा है, हुआ है ना जी। ये इनका जन विरोधी कदम है। किस प्रकार से लोगों को सजब आग दिखा करके वोट बटोर करके और फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा हिमाचल के अंदर कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं। एक तरफ तो ये विधायकों से और अधिकारियों से पैसा ले रहे हैं उनकी सैलरी का कि इसके अंदर जमा कराओ, हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने वायदा किया 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात करी है। क्या स्थिति हुई? उसका टैरिफ 86 पैसे बढ़ा दिया। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर ये वायदा करके कि 300 यूनिट बिजली देंगे, वो तो गई बाढ़ में, 86 पैसे और बढ़ा दिया। ये हालात इनके हैं। और इन्होंने एक और घोषणा करी कि 18 से लेकर के 60 वर्ष की आयु के बीच प्रत्येक महिला को 1500 मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी, ये बात कही है। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति उनको किसी महिला को कोई 1500 रुपया नहीं पहुंचा। खाली अभी घोषणा की है मुख्यमंत्री साहब ने कि अभी की है, वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लाहौल स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की जाएगी, सिर्फ एक क्षेत्र के लिए। अगर उस क्षेत्र की आबादी देखें, उसके अंदर मात्र आबादी 12 से 15 हजार होगी, लाख 12 से 15 लाख तो नहीं है, क्या चीज, 1 किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं वहां, फिर 10-15 हजार होगी है, कम आबादी है लाहौल स्पीति के अंदर। अब 2 साल के बाद मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, किस प्रकार का सजग आग दिखाया, 2 साल के बाद बोलते हैं कि लाहौल स्पीति के क्षेत्र की महिलाओं के लिए हम ये योजना उनको बहनों को देंगे, जिस क्षेत्र के अंदर मात्र 10 से 15 हजार आबादी है लाहौल स्पीति के अंदर, वहां के लिए घोषणा की। किस प्रकार से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये इनका, मैं सारा का सारा वो देख रहा था भी इन्होंने क्या कहा। ये एनडीए के अंदर है कांग्रेस, यहां भी झूठ बोलते हैं, हुड्डा साहब भी इसी प्रकार का झूठ बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। कर्नाटक के अंदर इन्होंने कहा कि 2 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरने का इन्होंने घोषणा की थी, परंतु 1 साल हो गया, इसकी मैंने अभी चर्चा की है, अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने। वहां पर भी कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस ने कि सभी के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, वोट तो ले लिया कह के, परंतु 1 साल से ज्यादा इनकी सरकार को हो रहा है और उसके अंदर केवल उन घरों को बिजली मुफ्त देने का वायदा किया कि जो 200 यूनिट से कम जलाएंगे, अगर एक यूनिट भी 200 से ज्यादा कर दी तो उसका पूरा का पूरा बिल आएगा। किसको लाभ मिल रहा है? किसी को लाभ नहीं मिल रहा। क्यों अंधेरे में ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? एक और इन्होंने कहा कर्नाटक के अंदर, इनकी तो मैंने कहा कि डीएनए के अंदर है, कर्नाटक के अंदर मैं बताना चाहता हूं 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने वहां वायदा किया किसानों के साथ कि हम 24 घंटे आपको बिजली देंगे। 5 साल बीत गए और पिछले 2013 के अंदर कांग्रेस की, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। अगर बिजली आकर के किसानों को देने का काम किसी ने किया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 के अंदर बनी तो उसने आकर के किसानों को
तीन चरणों में बिजली आपूर्ति देने का काम वो उसका टाइम टेबल तय करके देने का कार्य वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां पर भी कांग्रेस ने उसी प्रकार का झूठ बोला, हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु कांग्रेस 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तेलंगाना के अंदर मैं आपको बताऊं, वहां भी एक साल हो गया महालक्ष्मी योजना के तहत, क्योंकि रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं भी, लोग रेवड़ियां ले लेंगे उस टाइम और फिर जाऊ बाढ़ में अपने घर बैठ जाएंगे सत्ता के ऊपर, और प्रदेश बाढ़ में जाओ, प्रदेश की जनता बाढ़ में जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। महालक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये प्रति माह 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देने की बात कही, और RTC की बसों में मुफ्त यात्रा की बात कांग्रेस ने करी। एक साल हो गया इन्होंने बात करी, अभी तक कोई ना तो 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया, ना किसी को बस की सुविधा दी, ना किसी को 2500 रुपये महिलाओं को दिए, खाली बोल करके वोट लेने का काम किया। हमारी सरकार ने, मैंने बताया कि मुझे 51 दिन का समय मिला, हमने हैप्पी कार्ड दिया, गरीब व्यक्ति को लागू हो गया, उसका लाभ ले रहा है। हमने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर की बात करी, आज हमारी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, ये उपलब्ध हो रहा है। हमने 1 अगस्त से तुरंत ही कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया और निर्णय लेकर के उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 50 लाख छात्रों को और बेरोजगार युवाओं से 2 लाख रिक्त पद भरने की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है। जो ये बात बोलते हैं, राहुल गांधी भी बोलता है, भाई तय अपनी सरकार जहां तेरी सरकारें हैं वहां का भी हिसाब किताब चेक कर ले, भी मैंने कुछ बोल लिया था, कोई स्क्रिप्ट लिखी थी उसके बारे में भी देख ले, बस आगे दौड़ पीछे चौड़, ये हालात हो रहे हैं इनके। कांग्रेस वाले बोल दो झूठ बोल के भाग जो भी लोग भुगतेंगे, ये बात इन्होंने वहां तेलंगाना में भी कही। क्या स्थिति हुई, राज्य में केवल 30,000 रिक्तियां हैं वहां पर, और इन्होंने कहा कि 50 लाख छात्रों और बेरोजगार युवाओं से 2 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा, और रिक्तियां कितनी है 30,000, कितना बड़ा झूठ बोल दिया। इनके पास साधन संसाधन ही नहीं है तो ये कहां से लाकर क्यों गुमराह करते हैं। और कांग्रेस ने इन्हें बढ़ने की दिशा में अब तक एड तक भी नहीं निकाले। ये कांग्रेस के झूठ का मैं DNA आप लोगों को बता रहा हूं कि इनकी सरकारों के अंदर ये किस प्रकार से सजा बाग दिखा करके ये लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो मैनिफेस्टो है हरियाणा का उसके बारे में बताना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में चाहे वो 2014 का था चाहे वो 2019 का था, ये भी देख ले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे या कांग्रेस के अन्य नेता, क्योंकि बुद्धिजीवी रणदीप सुरजेवाला, वो भी हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ ले। हमने अपने मैनिफेस्टो को 100% लागू किया है, जो हमने कहा उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जितने भी हमने वायदे किए थे, हमने चाहे 2014 का मैनिफेस्टो था और चाहे 2019 का मैनिफेस्टो था, हमने उसको पूरा करने का काम किया। ये भी बताने का काम करें कि इनके भी मैनिफेस्टो थे उसके अंदर से कितना इन्होंने पूरा करने का काम किया है। कांग्रेस का चरित्र कहना कुछ करना कुछ इस प्रकार का है, लोगों को सजा बाग दिखाने। राहुल गांधी बड़े दलितों के नेता बनते हैं कि मैं तो दलितों का मसीहा हूं, इस प्रकार की बात करते हैं। और इनकी सरकार के अंदर कितना अत्याचार दलितों के ऊपर होता है, उनको सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। ये दलितों के हितैषी नहीं, ये तो उनका शोषण करने वाले लोग हैं। किस प्रकार का मैंने चर्चा की है, चाहे मिर्चपुर कांड था, ये हमारे हरियाणा के अंदर तो आप देखते हैं, चाहे गोहाणा कांड था, चाहे अशोक तंवर के ऊपर हमला करने की बात है, गर्दन मरोड़ दी, बच गया वो तो बाल बाल बचा, हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहा 15 दिन, उसका ही हाल चाल जानने भी नहीं गए, राहुल गांधी तक नहीं गया, भाई तेरा क्या हो गया क्या नहीं हो गया, अपमानित कर दिया। इसी प्रकार से शैलजा को भी ये बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, अभी दिखा देंगे थोड़े ही दिन में, लगे हुए हैं। मैं तो कहूंगा
मारे रास्ते तो पूरे खुले यार, पूरे खुले यार रास्ते, माखा पूरे रास्ते खुले हैं। जो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा तो बीजेपी सम्मान देती है। इनकी सरकार में किस प्रकार से सैनिकों का अपमान वो होता था, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि काफी ये मामला काफी है, अभी बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्क साफ है। नहीं, वो अब नहीं इनके पास कोई राज्य आएगा, अब तो वो भी इनके हाथ से जाने वाले हैं। मैंने बताया ना, झूठ बोल रहे हैं ये। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं ये बात बोलते हैं भाई, ये चिट्ठा तो मैंने जो लिख कर लिया, मैं काम ही इतने आ, अभी तो याद दे लिया, मैं फिर बैठूंगा आप लोगों के साथ, फिर बाद में बैठूंगा मैं, क्योंकि ये कह रहे भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं उसका अंतर बता रहा हूं, ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है इनकी सरकार के अंदर। मैंने कहा है कि ये इनकी सरकार में विकास के ऊपर फुल स्टॉप था, हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास नॉन स्टॉप है। ये अंतर है, फर्क साफ है। बीपीएल की वार्षिक आय सीमा इनकी सरकार के अंदर 1,20,000 थी, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 किया है। वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पेंशन इनकी सरकार के अंदर 500 रुपए थी, हमारी सरकार के अंदर 3,000 रुपए है। वृद्धा समान भत्ता, विधवा पेंशन की वार्षिक आय सीमा 2,00,000 रुपए थी इनकी सरकार के अंदर, हमने उसको बढ़ा करके 3,00,000 रुपए किया है। वृद्धा समान भत्ता पर खर्च राशि, आप अंतर देखिए कितना बड़ा है, कोई छोटा अंतर नहीं है। जो वृद्धा को सम्मान भत्ता ये लोग देते थे, ये देते थे कुल 1,703 करोड़ रुपए ये देते थे, और हमारी सरकार के अंदर ये 6,024 करोड़ रुपए 6,024 करोड़ रुपए 2-3 गुणे से भी ज्यादा बुजुर्गों को हम समान भत्ता दे रहे। घूमते रहते थे बेचारे बुजुर्ग, पेंशन नहीं लगती थी, 6-6 महीने साल साल घूमते रहते थे, और फिर अगर किसी की बनती थी सेवा होती थी लेते थे उसके पास से, कहा था 6 महीने के पैसे दे दे, वो अधिकारी पूछता था उसको, तेरी बनाई दूंगा कहा मैं, वो कहते था ले ले भाई पर बनाई दे कहा। ये हालात थे, नहीं बनती थी, घूमते रहते थे। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी थे, क्योंकि बढ़ती नहीं थी, मैं इस करके बता रहा हूं, तब भी इतनी थे, परंतु ये लोगों को लाभ नहीं पहुंचाते थे, मैं ये बता रहा हूं, अंतर बता रहा हूं इसके अंदर। इनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी 21,82,000 थे, हमारी सरकार के अंदर ये 34,66,000 हो गए। किस प्रकार से लोगों का शोषण करते थे, किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे, इस बात को प्रदेश का लोगों को समझना चाहिए। बहुत शोषण होता था, लोग रोते थे, आंखों में आंसू आते थे, आंखों के आंसू देखने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार की हालत कांग्रेस ने की है, बुजुर्गों के साथ की, गरीबों के साथ की, दलितों के साथ की, उनके आंसू भी कोई पोंछने वाला नहीं था। इस प्रकार का शासन ये इनके समय के अंदर था, ये हिसाब मांग रहे हैं। बेटियों की शादी में शगुन की राशि इनके समय में 31,000 थी, हमने आकर के 71,000 रुपए देना किया। ये अंतर बहुत बड़े अंतर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बीपीएल परिवारों के जो मकान की मरम्मत की नवीनीकरण के लिए इनके समय में 25,000 रुपया था, हमारे समय के अंदर ये 80,000 रुपए हो गया। उसके अंदर 25,000 के अंदर थे भी आपका पैसा तो किसी की जेब में चला जाता था, लीक हो जाता था पैसा, उन तक गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था। मैंने कहा है क्यों रोते रहते थे, आंसू पहुंचने वाला इनकी सरकार में गरीब व्यक्ति का कोई नहीं था। ये हालात किए हैं इन्होंने, गरीबों को तड़पाया है, और गरीब अब उनकी बात में आने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का इन्होंने लोगों के साथ शोषण किया है। निःशक्त पेंशन पर खर्च राशि इनके समय के अंदर 171 करोड़ रुपए थी, हमारे समय के अंदर ये 628 करोड़ रुपए हो गई। 628 करोड़ रुपए ये कोई छोटा बात नहीं है, 2 गुना से ज्यादा इनके टाइम काम किया हमारी सरकार ने। और ये बोलते हैं, इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं। मैंने 10 क्वेश्चन पूछे थे, अरे हुड्डा साहब तेरे पास 10 का नहीं है, 5 का तो दे दे, तो कुछ तो दे, कोई जवाब तो दे, जवाब ही नहीं है।
कैसे जवाब दे, करने के लिए अगर कुछ होता है तो बताने का काम करे। प्रॉपर्टी बना ली, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, ईवीडी तो देखेगी ना, उसने पट्टी नहीं बांधी हुई है, वो देखेगी। अब वो अटैच हुई, वो गरीबों का ही तो पैसा था, किसका पैसा था? वो गरीब व्यक्ति के ऊपर खर्च होना था, जो पैसा वहां खर्च हो गया वो दूसरी जगह चला गया। विधवा पेंशन के ऊपर राशि खर्च, इनके समय के अंदर नहीं बनती थी, मैं कह रहा हूं इनके समय के अंदर। ये लोग जो हिसाब मांगते फिर रहे हैं, 727 करोड़ रुपया, मेरा मन भरता है, आंखों में मेरे आंसू आते हैं। इनकी सरकार के अंदर क्या होता था, एक विधवा दर दर की ठोकरें खाती फिरती थी कि पेंशन लग जाए, पेंशन नहीं लगती थी गरीब व्यक्ति की, विधवा की। 727 करोड़ रुपए देते थे हमारे समय के अंदर, ये बढ़ करके 2758 करोड़ रुपए हो गया। हर 100% लाभ दिया है, पीपी कार्ड बना है, इनकम उसकी उसके अंदर करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, जिसके मां बाप नहीं है उनको इनके समय के अंदर 101 करोड़ रुपए। अरे लोग घूमते रहते थे, नहीं लाभ पहुंचता था उन तक, ये इस बात को हमें समझना चाहिए। परंतु हमारी सरकार ने आकर के 574 करोड़ रुपया उन बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है इन 10 वर्षों के अंदर। वो भी बताएं कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है, क्या हमारी सरकार ने लक्षण किए हैं, वो लक्षण जानना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के लोग, किस प्रकार के लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आगे, जो इनके समय के अंदर प्राकृतिक आपदा में जो फसलें नष्ट हुई है, प्रति एकड़ मुआवजा लास्ट के अंदर दिया है 10,000 रुपये, लास्ट के अंदर हमने आकर के उसको 15,000 रुपये किया। और प्राकृतिक आपदा में जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका कुल मुआवजा मैंने अभी चर्चा की है, उसका 1100 कुछ रुपया इन्होंने दिया है। हमारी सरकार ने 13,500 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। गन्ने का भाव इनके समय के अंदर 310 रुपये था, हमारे समय के अंदर ये 400 रुपये क्विंटल हो गया, हमने बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र जो स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि हमने ज्यादा किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया है, ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर उसकी पैदावार भी हुई है। उस पैदावार को भी अगर हम बात करें कि हमने उसकी आय भी बढ़ाई है, उसका वाइडनिंग भी की है, उसकी लंबाई भी की, वाइडनिंग भी बढ़ाने का काम किया है, उसकी लंबाई को भी बढ़ाने का हमने काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के अंदर 2014 तक 33,507 हेक्टेयर के ऊपर ये पानी की व्यवस्था थी। इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे हमारी हरियाणा के अंदर अलग से उसके ऊपर इंसेंटिव देकर के किसानों को उसका सब्सिडी देकर के लाभ पहुंचाने का काम किया, मुझे खुशी है इस बात की कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में 4,26,636 हेक्टेयर के ऊपर मेरा किसान अपनी फसल कर रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से इतना बड़ा, 4 गुना कहें 5 गुना कहें, इससे ज्यादा काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। और मत्स्य उत्पादन, किसान की इनकम बढ़े, इसके निमित्त भी इनके समय के अंदर 1,00,000 मीट्रिक टन था 2014 तक, और हमारी सरकार के अंदर ये 2,15,000 मीट्रिक टन हुआ है, 2 गुना उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये जो बात करते हैं, चाहे ग्राम विकास की बात अगर हम करें, ग्राम विकास के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय इनके समय के अंदर 8,100 रुपये था, हमने उसको बढ़ा करके 16,000 रुपये किया है, इतना हमने इसका 10 वर्षों के अंदर बढ़ाया है। और हमने नंबरदारों का मासिक मानदेय भी इनके समय के अंदर 1,500 रुपये था, हमने उसको डबल किया है, 3,000 रुपये किया है। हमने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय भी इनके समय के अंदर 3,500 रुपये था, हमने आकर के उसको 11,000 रुपये देने का काम किया। वो चक्कर काटते थे, घूमते थे, लाभ नहीं पहुंचता था। आप इसका आंकलन करिए,
जो ये हिसाब की बात कर रहे हैं, अपने हिसाब को ये छिपाने का काम करते हैं, दूसरे की बही को उठा करके घूमते हैं, इसकी बही कहाँ है, तय भी अपनी बही उठा करके बता दे भाई हमने क्या काम किया है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का मासिक मानदेय हमारे इनकी सरकार में 2000 रुपए था, हमने इसको बढ़ा करके 5000 रुपए किया है, डबल से ज्यादा किया। पंचायत समिति के सदस्यों का मासिक मानदेय इनकी सरकार में 6000 रुपए था, हमने उसको 15000 रुपए बढ़ा करके किया है। जिला परिषद के सदस्यों का मानदेय मासिक मानदेय 7500 रुपए था, हमने 20000 रुपए किया है। ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है। बिजली की मैंने बात की है, इनके समय के अंदर जो बिजली आती थी हमने 24 घंटे बिजली देने का काम 5858 गांव के अंदर 6500 गांव में से देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मैं बताना चाहता हूं, जो ये बात कर रहे हैं, अभी भी कल स्टेटमेंट दे रहा था, कहा ये हॉस्पिटल तो उसमें चले गए, शायद हुड्डा साहब कह रहे थे, कल भी कहा है ना, उसे कहा है ना, मैं जवाब दे रहा हूं, वो बताने का काम करें। ये बिल्कुल ही फर्क साफ दे रहा है 10 सालों के अंदर। हाँ, मैं शैलजा को भी कहूंगा, हुड्डा साहब को भी कहूंगा, आप भी सुन रहे होंगे सारी बात जो मैं बात कह रहा हूं, इसका जवाब देने का काम करें, क्योंकि सारे साझीदार थे, जब तो सारे के सारे मड़ाई खाने में मशगूल थे, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं था। 10 सालों में एक मेडिकल विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया, एक हमने खड़ा किया, ये तो कोई छुपा हुआ नहीं है बात। मेडिकल कॉलेजों की संख्या इनके समय में 6 थी, हमारे समय में मैंने बताया है कि 15 फंक्शनल है और 7 के ऊपर काम चल रहा है। 4 अक्टूबर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो सारे के सारे फंक्शनल बहुत गति से हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों की संख्या इनके समय के अंदर 289 थी, हमारे समय के अंदर 1006 है। मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या इनके समय में 700 थी MBBS की, हमारे समय के अंदर 2185, इन 10 वर्षों के अंदर किस गति से बढ़ा है। नागरिक अस्पतालों की संख्या इनके समय में 56 थी, हमारे समय में 72 हुई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए PSA प्लांट एक भी नहीं था इनके समय के अंदर, हमारे समय में 94 हॉस्पिटल्स के अंदर PSA के प्लांट, ऑक्सीजन के प्लांट खड़े हुए हैं, लगाए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनके समय में 0, एक भी नहीं था, इनकी सोच भी नहीं थी, हमारे समय के अंदर 3132 लोगों को लाभ मिल रहा है। ये कल बोल रहा था, अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शिक्षा की मैंने बात की है, विश्वविद्यालय शिक्षा के अंदर इनके समय में 2014 तक ये 43 थे और 2024 में 57 संख्या हुई है, 10 वर्षों के अंदर 57 संख्या हुई है। राजकीय महाविद्यालय 105 थे, आज 180 है इन 10 वर्षों के अंदर। राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृत विद्यालय इनके समय में 13 थे, हमारे समय के अंदर 212 हैं, कितनी गति से बढ़ा है। राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय इनके समय में 0 था, एक भी नहीं था, हमारे समय के अंदर 1420 है। ये बड़ी गति से हमारी सरकार ने काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। नारी सशक्तिकरण को ले लीजिए, हमारी सरकार ने क्या काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, क्योंकि उनको एक इस बात की पीड़ा थी कि हरियाणा के अंदर लिंगानुपात बहुत ज्यादा गति से कम हो रहा है, उसकी चिंता अगर किसी ने की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान पानीपत की पवित्र भूमि से किया है। जन्म के समय लिंगानुपात की दर इनके समय में 871 थी और आज 916 है, एक बड़ा अंतर, बड़ा सुधार इन 10 वर्षों के अंदर आया है। महिला पुलिस थाने जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की है, इनके समय में 2 थे, हमारे समय में 33 हुए। कॉलेजों की बात करी है, विधवा बेसहारा महिलाओं को मासिक पेंशन, उसकी बात मैंने की है। आंगनवाड़ी
कार्यकर्ताओं का मानदेय इनके समय के अंदर 4,000 रुपए था, 4,000 रुपए इनके समय के अंदर, हमारे समय में 14,750 रुपए। आशा वर्कर का मानदेय इनके समय में 500 रुपए था, हमारे 10 वर्षों के अंदर 6,061 रुपए हुआ है। कितना बड़ा बड़ा है इसके, कितनी चिंता हमारी सरकार ने की है भाइयों। लगातार ये सरकार उनको सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सैनिकों को लेकर के लगातार ये अग्निवीर को लेकर के भी बोलते रहते हैं, कई प्रकार का दुष्प्रचार करते रहते हैं ये लोग, इनके पास मुद्दा तो है नहीं है। हमने जो शहीद सैनिक अनुग्रह राशि है वो इनके समय के अंदर 20 लाख रुपए थी, हमने इसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए किया है, अभी पिछले दिनों 1 करोड़ रुपए किया है। घायल सैनिकों के निःशक्तता के आधार पर अनुग्रह राशि 15 लाख रुपए थी इनके समय के, हमारे समय में 35 लाख रुपए इसको बढ़ाया है। अनुकंपा के आधार के ऊपर जो हमारे शहीद सैनिक के परिवार के बच्चे थे उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी मात्र 6 दी इन्होंने, 10 वर्षों के अंदर 6 दी। कितनी ट्रेजेडी इनके समय के अंदर हुई है पूरा देश जानता है, हमने आकर के उसको 337 किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं अपना हुड्डा साहब से भी और राहुल गांधी साहब से भी कि इस बात को वो स्पष्ट करें, इस बात को बताएं कि हमने, हमारी सरकार ने मजबूती से ये निर्णय जो अभी मैंने बताए हैं सैनिकों के हित के अंदर लिए हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है और उसके अंदर क्या राहुल गांधी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या कांग्रेस के नेता ये बताने का कष्ट करेंगे, क्या उनकी सोच ये है कि कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने लिखा है और उसका समर्थन कांग्रेस ने समझौता करके गठबंधन करके उसके साथ, क्या उसका समर्थन कर रहे हैं कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे? ये राहुल गांधी भी बताने का काम करे, भूपेंद्र हुड्डा भी बताने का काम करे। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि हमने सैनिकों के सम्मान के अंदर उनका सम्मान बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने मजबूत निर्णय लिए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे पीड़ा इस बात की है कि मेरे हरियाणा के 10% आर्मी में जवान है, हमें चिंता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कड़ा स्टैंड लेते हुए, कड़े निर्णय लेते हुए उस आतंकवाद के प्रहार को नौजवान साथियों ने किया है और ये क्या बात बोल रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उस आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कांग्रेस अपनी नीति को स्पष्ट करे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए, राहुल गांधी से पूछ करके बताए, राहुल गांधी बताए, इनसे चर्चा करके जो झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं बैठ करके राहुल गांधी के साथ, वो बताने का काम करें कि आपका स्टैंड क्या है, इसके ऊपर बताने का काम करें। मैं ये भी पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी, क्योंकि जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त थे हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाएगी, परंतु इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कि उनकी नौकरी को हम बहाल करेंगे। आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का क्या ये समर्थन करते हैं, ये बताने का काम करें। जब उसको बहाली की बात आई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला साहब, जो 24 घंटे उस स्क्रिप्ट के एक एक शब्द को राहुल गांधी को जो पढ़ करके सुनाता है, लिखता तो कोई और है, खैर पढ़ करके सुरजेवाला साहब उसको सुनाते हैं, तो वो बताने का काम करेंगे क्या उनको पूछ करके, क्या उनकी नौकरी जो उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कि हम उनकी नौकरी को बहाली करेंगे, क्या ये उसका समर्थन करते हैं।
क्योंकि ये मेरे हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है और बड़ा मार्मिक विषय है। मेरे हरियाणा के नौजवान साथी 10% सेना के अंदर है, देश की सेवा में लगे हुए हैं, उस आतंकवाद को प्रखरता से मजबूती से छाती आगे लड़ा करके उसके आगे मजबूती से खड़े हैं, उसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो क्या उसको ये समर्थन करते हैं, ये बताने का काम करेंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस पार्टी ये भी बताए जो ये दलितों के हितैषी बनते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या उस बात का ये समर्थन करते हैं कि आरक्षण विरोधी चेहरा इनका कांग्रेस का सामने आया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को फिर से समाप्त करने का अपने मैनिफेस्टो के अंदर बात कही है, क्योंकि वहां पर इनको वोट पाने का भी अधिकार नहीं था दलितों। क्या कांग्रेस पार्टी दलितों के उस का समर्थन करने का काम कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? यह भी स्पष्ट करने का काम करें। और अभी मैं देख रहा था, मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप काम किए हैं, नॉन स्टॉप काम कर रही है, और उसके तहत अगर हम देखें कि इस 51 दिन के अंदर हमने TGT के जो कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने, वो जो भी भर्ती हमारी होती है उसको, क्योंकि प्री प्लान्ड कांग्रेस के द्वारा है, और उसका चेहरा सामने आ गया जयराम रमेश, क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सलाह करता है, आकर के बैठता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको गाइड करता है और सुरजेवाला साहब उसको गाइड करते हैं कि आप इस प्रकार चलिए, वो गाइड करता है उनको। और जयराम रमेश वो हमारी जो भर्तियां चल रही थी चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हुआ जाकर के, उन भर्तियों को रुकवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम गति से TGT की हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के लंबे समय तक जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग रही और उस फैसले को हमने फाइंड वहां पर उसका सामना किया, अपने एडवोकेट खड़े किए कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, हमने खड़े करके ये 7575 TGT के टीचरों की भर्ती हमने पिछले दिनों उनको नियुक्ति पत्र दिया। इसी प्रकार से हमने डी ग्रुप की भर्तियों को भी वो करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है, 3774 वो भी। और मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने इन भर्तियों को रोकने के लिए, ये अब झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं, ये भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा है कि ये इनके DNA के अंदर झूठ है, स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर उसका दुष्प्रचार करते हैं, अब ये झूठ फैलाते फिर रहे हैं कि भाई ये तो भर्तियों बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। एक तरफ तो भर्ती रोको गैंग खड़ी करके इन्होंने उसको रोकने का काम किया है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया है, और दूसरी तरफ ये झूठ बोल रहे हैं कि वो भर्ती नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार सुरजेवाला भी बोल रहे हैं। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापिस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल नेत्रिका नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं 4 अक्टूबर के बाद, 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर के बाद, मैं सप्ताह में लूंगा हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद सप्ताह लूंगा, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये किस प्रकार का झूठ, किस प्रकार का ये इधर उधर की बात करते हैं, ये आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा भी इस बात को समझ चुका है कि भर्तियों के अंदर जो ये टांग लड़ा रहे हैं, ये टांग ये कांग्रेस के लोग वो उसमें बाधा बने हुए हैं,
और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके समय के अंदर किस प्रकार से नौकरियां लगती थी, किस प्रकार से बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। अरे उनकी कई माँ बाप की बातों को सुनकर के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हालात कांग्रेस ने किया, युवाओं का विश्वास उठ चुका था, आज विश्वास जमा है। इनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, इस बात को भी समझना चाहिए। मैंने ये कुछ बातें कही हैं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन थे, मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया अभी, ज्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि वो भी भूल जाते हैं कि मैंने क्या क्या बोला, वो भूल जाते हैं। मैंने क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए थे, वो अब तक जवाब नहीं दे पाए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 का दे दो, दे तो दो कुछ ना कुछ, झूठ तो ना बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। है? कौन कह रहा है? देखिए मैं नहीं 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 उन्होंने मैंने पूछा है आज नहीं देखिए एक मिनट मैंने उनको बात हुई है मेरी, क्योंकि मेरे को जब करनाल में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं भी व्यस्त था, मैं टीवी पे नहीं देख पाया था डिबेट, ना मेरे को पता चला। मेरे को शाम को जब पत्रकार भाइयों ने पूछा था, मुझे पता चला, फिर मेरी बात हुई है उनसे। मैंने कहा कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है, वो कहने लगा कि नहीं मेरी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि मैं एक मिनट वो मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे कि मैंने ये शब्द कहे थे कि आपने तो पहले ही चला रखा है, भी आपके पास कहाँ से जानकारी आई है, भी ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, ये बात भी उन्होंने कहा कि आपने पहले चला रखा है। और मैंने भी ये बात, मैंने करनाल के अंदर ये बात की, मैं वहां का विधायक हूँ करनाल का, अरे मैं वहां का विधायक हूँ सर, मैं विधायक हूँ। अभी तो हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों के ऊपर नायब सिंह ही चुनाव लड़ेगा, कमल का फूल है, और जब तक प्रत्याशी नहीं आते तब तक कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। जिस दिन हमारी लिस्टें टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिक्लेयर करेगा, उस दिन हमारे प्रत्याशी, और उनके लिए मैं वहां जाकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मैं लेने का काम कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ थोड़ा पर्दा हटाया है कि कांग्रेस का चरित्र दिखाया है, उसके करेक्टर के बारे में दिखाया है, कि उनके डीएनए के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार का झूठ बोल करके, किस प्रकार का झूठ का बवंडर खड़ा करके वोट बटोर ले जाते हैं। मैंने उसके उदाहरण भी दिए जो उनकी स्टेट के अंदर सरकारें हैं, मैंने हरियाणा प्रदेश के जागरूक लोगों के बीच में ये बताने का काम किया है, और इसके बाद मैं पूरा करूंगा। नहीं देखिए ऐसा, आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है, और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि ये इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो वो गांव के लोग हैं, ये कौन रुकता है फिर उसके अंदर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। तो क्यों भंग क्यों करेंगे, हम शपथ लेंगे 4 तारीख के बाद, शपथ लेंगे।
ये कौन फैला रहा है इस प्रकार की बात? क्या बात है? हम सब चलेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने विकास पर फुल स्टॉप लगाया है। सीएम नायब सैनी की ओर से बयान सामने आया, शादी कहते नजर आए, बीजेपी सरकार ने नॉन स्टॉप विकास किया है। कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर गलत प्रचार कर रही है। वही सीएम नायब सैनी कहते नजर आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दुष्प्रचार करते हैं। कांग्रेस ने पर्ची खर्ची के जरिए 80,000 नौकरियां दी। दौरान कांग्रेस पर मोर्चा खोलते नजर आए, साथ ही कहा हमने बिना पर्ची खर्ची के लगभग 1.5 लाख नौकरियां दी। वही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने झूठ बोलकर चुनाव जीता, 1 लाख नौकरी देने का कांग्रेस ने इस दौरान झूठ बोला। वही दिल्ली में बैठक कर राहुल गांधी झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं।